हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मेरे साथ आपको नन्हे मुन्ने बच्चे दिखेंगे, क्योंकि सबकी गर्मी छुट्टी शुरू हो गई है और मैं अपने मम्मी के घर आई हुई हूँ। तो यहाँ मेरे भाई के बच्चे हैं और एक मेरा बेटा भी मेरे साथ है। इस वीडियो को मैंने काफ़ी पहले शूट कर लिया था, पर अचानक मेरे दादाजी का निधन हो गया, जो काफ़ी बुजुर्ग थे, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लेट जा रहा है। इन बच्चों को मेरे साथ DIY करने का बहुत मन था। ये चाहते थे कि मैं जैसे YouTube में अपनी वीडियो बनाती हूँ, इनके साथ बनाऊँ। तो मैंने इन बच्चों की बात का ध्यान रखा और इनके साथ एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में इस पुराने से प्लास्टिक के टेबल को हम सभी ने मिलकर नया लुक दिया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप अपने वीडियो में इस पुरानी चीजों का नया बनाने के लिए सिखाते हैं, हम भी आज करना चाहते हैं। करोगे बच्चों DIY बुआ के साथ? यस! तो क्या हम इस पुराने से टेबल का नया लुक दें? हाँ। तो कलर पसंद करो, पेपर्स कौन सा लगाएंगे? ओके। इस टेबल को न्यू लुक देने के लिए मैंने वॉलपेपर का यूज किया है। ये इस तरह का वॉलपेपर है जो मार्बल जैसा लुक देता है। बच्चे सारे बहुत ही खुश हो रहे थे, बहुत अच्छे से बैठकर इस काम को देख रहे थे और ज़रूरत पड़ने पे मेरी मदद भी कर रहे थे। इस तरह से टेबल के टॉप को अच्छे से वॉलपेपर से कवर कर दिया है। ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साइड में जो भी एक्स्ट्रा निकला हुआ है पेपर, उसे अच्छे से कट करके फिनिशिंग दे देंगे। अब टेबल के चारों तरफ जो बॉर्डर दिख रहा है, उसके ऊपर गोल्डन स्प्रे पेंट कर देंगे, जिससे ये और भी खूबसूरत दिखेगा। इस तरह से मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट से चारों तरफ के बॉर्डर को स्प्रे पेंट कर दिया है, जिससे टेबल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पर बाद में मुझे ध्यान आया कि मैं अगर इसे बेडरूम में करूँगी तो हो सकता है कि फ्लोर गंदा हो जाए, तो जिसकी वजह से मैं इसे बाथरूम में लेकर आ गई थी। जब भी आप स्प्रे पेंट यूज करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ कहीं भी आप इसे यूज कर रहे हैं, वहाँ के फ्लोर को न्यूज़पेपर से ज़रूर कवर कर लें, जिससे बहुत ज़्यादा छींटे नहीं पड़ेंगे और बाद में साफ़ सफाई का काम बच जाएगा। इसी तरह से टेबल को अच्छे से पेंट कर लिया है, इसके लेग्स को भी मैंने पेंट कर दिया है। साथ ही हमने पुराने कुकीज बॉक्स को भी नया लुक दिया है। और इस पुराने से टिन बॉक्स को मैंने स्प्रे पेंट से पेंट कर दिया और ये बहुत ही खूबसूरत उर्ली में कन्वर्ट हो गया है। अब इसे हम लोग फ्लावर और कुछ लीफ से डेकोरेट कर देंगे, जो टेबल टॉप के ऊपर रखेंगे, जिससे ये टेबल और भी खूबसूरत दिखेगा। मजा आया बच्चों? वाओ बुआ, कितना सुंदर है! आपने तो गर्मी की छुट्टियों में बहुत अच्छा DIY बनाना सिखाया। थैंक यू बच्चों। तुम्हें कैसे लगा? बहुत अच्छा। अब तो हम रोज बुआ के साथ ऐसी DIY करते रहेंगे। तो गाइस, आज की DIY आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आपने देखा कि इस वीडियो में मैंने किस तरह से पुराने से दिखने वाले प्लास्टिक के टेबल को एक न्यू लुक दिया है, कम से कम बजट में और कम से कम मेहनत में। इस काम में हमारे घर के नन्हे मुन्नों ने काफ़ी मदद की है मेरी, उनके साथ ये काम करना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको
थोड़ा हेल्प जरूर मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।